सो वेलकम बैक गाइस। तो मेरे सीएस रैंक आज खेलने वाले हैं और आज मतलब मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मतलब हमें यानी कि सीएस में भी सोलो वर्सेस स्क्वाड ही हम खेलेंगे। तो अभी मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा और मेरे पास थॉमसन है और एके भी है। ओके, और मतलब ये पहला राउंड तो नहीं है, सेकंड राउंड है। पहले राउंड में किल तो किए थे, ओके सामने बंदा, बट मैंने थोड़ा सा बॉडी ही डैमेज दिया है। अब मेरे ख्याल से मेरे को डायरेक्ट रश कर देना चाहिए। तो हम फाइनली जल्दी से रश करते हैं बंदे पे, मतलब एनिमी कहाँ पे चला गया है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस। ये रहा चिंगंडी, अरे दो चिंगंडी एक साथ आ गए और ये खेलने से मेरे को पूरा दो डाला यार, कुछ भी मेरा कुछ भी छोड़ा ही नहीं और पूरा मेरे को ख़त्म करके भी चली गई। और वो अभी आ रहा है भाई, तू अभी आके क्या करेगा? तो भाई ये भी डाउन हो गया भाई, MP40 लेके भी डाउन हो गया। क्या बनेगा रे तू, गुंडा कैसे बनेगा यार, ऐसे गुंडा बनेगा तू? अबे यार, अब ये वुकोंग बचा है और ये बचा है और ये तो डाउन ही है, इसकी तो दशा ही खराब है। और ये लगा रहा है यहाँ पे फायर, भाई क्या बंदा है यार। ओके तो अच्छी बात है यार, मतलब डैमेज तो दिया है, अब डायरेक्ट रश करने वाला है। भाई इतनी जल्दी क्यों चला दिया, उसको पास तो आने दे, अब चलाना था ना। अबे 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 भाई ये डायरेक्ट ही मार देगी इसको। ओके तो ये भी खत्म हो गया। और वो दोनों कहाँ चले गए यार, वो दोनों तो ऑलरेडी मर गए, उन दोनों से आने से पहले ही वो दोनों तो मर गए यार इतनी जल्दी। ओके तो फाइनली अब मेरे को बिजोन से इस चैलेंज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मतलब तुम लोगों को पता है कि मैंने बिजोन गन का चैलेंज भी किया था, मतलब ओनली बिजोन गन चैलेंज ओके रैंक गेम के अंदर। तो आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो गाइस जल्दी जाके देख सकते हो। ओके तो हम तो डायरेक्ट ही रेस्ट करने वाले हैं, तो मैं सीधा जा रहा हूँ। और मतलब बंदा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा यार, कहाँ पे चले गए ये सारे बंदे? अबे यार कहाँ पे है? ओके तो सामने ही बंदा है और मैं डायरेक्ट ही जाने का ट्राई करूँगा, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा बॉडी शॉट, ये सारे बॉडी 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 ही लग रहे हैं यार। क्या यार ये बिजोन गन काम नहीं कर रही है क्या? और फाइनली गाइस मेरे पास एक बिग स्किन नहीं है ओके, और इस आईडी में मैंने ज़्यादातर पैसे डाले भी नहीं है, मतलब मेरी दूसरी आईडी तो है ही नहीं लिटरली में। हाँ भाई आपका भाई कुछ भी यानी कि गन स्किन के बिना ही खेलता है। और यहाँ पे उसने उस वाले बंदे ने एक किल कर दिया और मैंने अभी तक किल भी नहीं किया यार, मतलब मेरे को एक किल तो करना चाहिए, फाइनली इनफ होता है, एक किल तो होना चाहिए। और मतलब यहाँ पे बंदा मेरे को अभी तक दिख ही नहीं रहा और वहाँ पे एक बंदा डाउन हो चुका है। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि अब हम एक किल यहाँ से निकाल पाए, और अभी तीन बंदे तो लाइव ही है तो मेरे को एक किल तो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे तीन एनिमी लाइव है और दो प्लेयर तो ओके ये सामने ही है। ओ भाई मतलब सारे बॉडी, एक भी हेड नहीं, और भाई ये फाइनली कैली को डाउन कर दिया है। और यहाँ पे दो बंदे एक साथ रस कर रहे हैं। भाई 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 भाई, 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 भाई मेरा वो चला गया यार, सोनिया स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे एक बंदा नॉक है, भाई डायरेक्ट रस करके ख़त्म कर दे इसको, ख़त्म कर दे। अबे मैं तो मर गया यार, इसको ख़त्म कर, अबे जल्दी रस कर भाई। भाई ये भी मर गया यार, वन और थ्री का इंटेंस मैच हो गया है। और अब क्या होने वाला है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने M10 लेवल 3 मैक्स ले लिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं है, ग्लोबल भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ग्लोबल तो है हमारे पास, ग्लोबल दो है हमारे पास और ग्रेनेड एक भी नहीं है। तो मेरे को अब भी यानी कि M1040 से बंदों को नॉक तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये गेम यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा और वो होना नहीं चाहिए। तो फाइनली हम यहाँ पे यानी कि हमारे पास दो ग्लोबल है और M10 है, तो कौन बनेगा यार यहाँ पे? करोड़पति बनने तो नहीं वाले हैं, बट यहाँ पे मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ डायरेक्ट बंदा नॉक हो जाए तो। बट बंदा तो यार नॉक ही नहीं हुआ, इतना ख़राब थ्रो तो आज तक किसी का नहीं होगा जितना मेरा है। ओके यार यहाँ पे सामने ही बंदा, इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके तो ये तो ख़त्म हो गया यार, इसका ध्यान कहाँ पे था मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट चिमकंडी को मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। और ये दोप तो आराम से मर गया, बट यहाँ पे एक और बंदा, भाई ये तो क्या जंप कर रही है। रुक यार मैं भी बहुत अच्छा जंप करता हूँ, तो इसको भी हमने ख़त्म कर दिया बढ़िया हेडशॉट के साथ। तो दो किल तो हमारे फाइनली हो चुके हैं और अभी यानी कि अभी दो और बंदे बाकी है, तो उन लोगों को हमें जल्दी मारना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पे एक आगे भाई कहाँ देखे जा रहा है, पीछे मैं आ गया हूँ, मतलब ये बंदे हेडफोन यूज़ ही नहीं करते क्या? तो अभी एक ही और बंदा है, एक ही, मैं MP40 लूँगा यार, MP40 मेरी बेस्ट गन है तो मैं उसको तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो गाइस मेरे पास अभी फाइनली MP40 आ चुकी है और यहाँ पे मेरे सारे बंदे नॉक हो चुके हैं और अभी मैं अकेला बचा हूँ। और मतलब हम इस गेम को मतलब कंटिन्यू ले सकते हैं क्या, मतलब ये गेम हम विन कर सकते हैं?
तो यहाँ पे गाइज मैंने ग्रेनेड तो कुक किया है, बट वो बंदा घर के अंदर है, और घर के अंदर है मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि उसको कुछ भी डैमेज तो नहीं पड़ने वाला। और उसने फाइनली ग्लोवल फेंक दिया है, और मतलब उसका ग्लोवल तोड़ता है इस ग्रेनेड से। ओके ओ भाई, उसके पास शॉट गन है और उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, बढ़िया हेड शॉट लेके मतलब एज कर दिया फाइनली इस गेम के अंदर। और मतलब दूसरा राउंड भी हमने कवर अप कर दिया है, तो अभी हमारे पास दो राउंड अभी और बचे हैं जिससे हम जीत के यानी कि आगे का गेम जीतेंगे, तो गाइज हमें यानी कि पूरा यानी कि हमारा रैंक प्लस होने वाला है, और रैंक प्लस होने के बाद मतलब हम जा सकते हैं हीरोइक पे। ओके, और ये सारे बंदे हीरोइक पे है और मैं अकेला यानी कि अभी गोल्ड पे हूँ। ओके, तो तुम समझ सकते हो यार किसके किल ज़्यादा होने चाहिए, बट देखते हैं लास्ट में किसके किल ज़्यादा होने वाला है। और अभी हमारे पास MP40 और M10 है। ओके, M10 मैंने पूरी मैक्स कर दी है, और MP40 तो नॉर्मल ही है भाई, बनी MP40 है तो अच्छे हेड तो लगने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं कैंपिंग करने वाला हूँ, सामने बंदे हैं क्योंकि मैं लॉन्ग रेंज में तो मार नहीं सकता क्योंकि दोनों शॉर्ट रेंज की गन है मेरे पास। ओके, तो वहाँ पे फाइट हो रही है, एक बंदा हमारी टीम का नॉकआउट हो गया है और मर भी गया है। ओके, सामने बंदा है बट बढ़िया, मैंने MP40 से हेड शॉट लिया है तो मैं डायरेक्टली रश करूँगा। ओ भाई, ये सामने ही आ गया, अरे 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 भाई बच गया यार, लिटरली मैं बच गया हूँ अभी, बट इसको मैं पूरा नॉक करूँगा। और अभी हमारा एक टीममेट भी नॉक हो गया है, तो मैं इसको पहले रिवाइव कर देता हूँ। और अभी कोई बंदा नहीं आ रहा है, अभी एक ही बंदा बाकी है। ओके, और मतलब यहाँ पे सारे बंदे ख़त्म होने को आ गए हैं और अभी एक बंदा बाकी है, तो उसका किल हम ले सकते हैं, बट वो बंदा कहाँ पे है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी पूरा हिल कर देते हैं, हिल करने के बाद डायरेक्ट ही रश करेंगे। ओके, तो अभी ये बंदा पता नहीं कहाँ पे चला गया है, तो इस ग्लोवल के अंदर भी हो सकता है, तो मैं इस ग्लोवल को तोड़ देता हूँ। ट्राई करते हैं कि ये यहाँ पे निकले। वो भाई मतलब ये यहाँ पे ही नहीं है, वो दूसरे बंदे को पास है, यानी कि वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो जल्दी जाते हैं, वो तेरी मर गया भाई। और इस बंदे को भी हमारे टीममेट ने फाइनली ख़त्म कर दिया है। सो फाइनली राउंड यानी कि लास्ट राउंड आ चुका है, और लास्ट राउंड में हमें ये गेम विन करना पड़ेगा, नहीं तो भाई लिटरली में बहुत ज़्यादा माइनस लगने वाला है। ओके, हमारे पास ग्रेनेड है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे यानी कि खिड़की से ग्रेनेड को फेंकने वाला हूँ, क्योंकि बंदा जैसे ही आएगा मैं डायरेक्ट ही ग्रेनेड फेंक दूंगा। मेरे को ऐसा लगा कि बंदा आया है तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, बट बंदा भाग गया पीछे की साइड के, और वहाँ से बंदा भाग रहा था तो यार मैंने बढ़िया हेड शॉट दे के उस बंदे का काम तमाम कर दिया है। और अभी यानी कि ये बंदा कहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो सारे बंदे पीछे है और एक बंदे को तो किल हमने ले लिया है फाइनली। ओके, तो अब हम डायरेक्ट रश कर सकते हैं, बट और गुरु 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 यहाँ पे सामने बंदा कैंप कर रहा है और इससे ग्रोजा से हेड मारने का ट्राई करेंगे, बट इसने तो ग्लोबली फेंक दिया और एक बंदा तो पीछे चला गया है। यार इतने दूर कहाँ चला गया ये बंदा, मैं इसको मारना चाहता हूँ बट ये बाहर कब निकलेगा। और पीछे बंदा आ गया है तो हमें ग्लोवल फेंक के डायरेक्ट उस पर रश करना चाहिए। ओके, तो मैंने इसके ऊपर पूरा रश कर दिया है, अंदर रश कर दिया है, और ऊपर से मेरे को डैमेज पड़ा तो मैं डायरेक्ट ही आ गया। ओ भाई उसने हेडशॉट ले लिया, बट हम कवर में है तो अभी हमारा टीममेट शायद हमें बचा सकता है। ओके, तो फाइनली बचा रहा है तो मैं बच गया, बट अभी हमें यानी कि जल्दी से हील करना पड़ेगा। ओके, उसने बचा लिया, वो नॉक हो गया है बेचारा, बट अभी हम हेडशॉट लेंगे, और मतलब हेड तो नहीं